हेलो दोस्तों, चलिए आज बहुत ही ज़रूरी मतलब जो बिहार पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या होता है तो फिजिकल है ना। तो फिजिकल के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ, यानी आपकी फिजिकल सबसे अच्छी कैसे बन पाएगी, यानी अच्छा नंबर आप कैसे उठा पाएंगे फिजिकल में, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे उठा पाएंगे, 80 प्लस नंबर कैसे उठा पाएंगे, उसी के बारे में आपको आज बताऊंगा कि फिजिकल कैसे करनी है, रनिंग कैसे करना है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि मतलब कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अब पूरे एक करके पूरा एकदम बढ़िया से समझा दूंगा कि कैसे स्टेप लेना है, दौड़ते वक्त कैसे दौड़ना है, वो पूरी एकदम इस वीडियो में पूरी अच्छे तरीका से समझा दूंगा। ऐसा समझाऊंगा कि आप अच्छे नंबर उठा पाएंगे बिहार पुलिस के फिजिकल में, विश्वास करें। जैसे बताऊंगा वैसे सिर्फ फिजिकल करना है, वैसे रनिंग करना है। ठीक है, वो पूरी आपको जो भी हम बताऊंगा वो खाली फॉलो कर लेना है, जो भी हम बताएंगे वो सिर्फ आपको फॉलो करना है। अच्छा नंबर मतलब बिहार पुलिस में अगर ना भी तो 40 नंबर हम आपको दौड़ उठवा देंगे। 40 नंबर अगर जिस दिन उठ गया आपको बिहार पुलिस बनने से कोई नहीं रोकेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए, आज इसी के बारे में बताऊंगा कि आपकी फिजिकल कैसे बनेगी। तो चलिए वीडियो फिजिकल के बारे में बताता हूँ कि फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, यानी रनिंग आपको अच्छा वाला रनिंग कैसे बनाना है, यानी 40 नंबर वाला रनिंग कैसे बनाना है। तो उसके बारे में आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, यानी हम अच्छा नंबर कैसे उठा पाएंगे 80 प्लस नंबर। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरत वाला वीडियो, मतलब आप लोग इसको अच्छे से सुनिए और समझिए, आपका फिजिकल बन जाएगा अच्छा। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप लोग मतलब सोच रहे हैं कि नहीं दरोगा बिहार पुलिस का दरोगा ठीक होता है, बिहार पुलिस हार्ड होता है, हमसे फिजिकल नहीं होगा, ये नहीं सोचना। बिहार पुलिस एकदम आसान बना दूंगा, मतलब फिजिकल एकदम अच्छा तरीका से बता दूंगा कि आपका फिजिकल अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है, बता रहा हूँ। देखिए कैसे तैयारी करनी है फिजिकल की। देखिए जब भी आप फील्ड में जाएँ, तो मान लीजिए आप नए तैयारी कर रहे हैं, मतलब इससे पहले कभी रनिंग नहीं की है, ठीक है, तो आप फील्ड में जाएँ, फर्स्ट डे जा रहे हैं, फर्स्ट दिन जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कितना दौड़ना है, मान लीजिए 400 का चक्कर होता है, एक चक्कर 400 का। देखिए सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि बिहार पुलिस का जो चक्कर होता है 5 चक्कर का होता है, ठीक है, 5 चक्कर का होता है पूरा रनिंग। ऐसे आर्मी में कितना चक्कर का होता है, 4 चक्कर का होता है, लेकिन बिहार पुलिस का 5 चक्कर का दौड़ होता है, जो थोड़ा 5 सेकंड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना है कि वहाँ पे 5 चक्कर का होता है बिहार पुलिस में रनिंग, ठीक है। चलिए वीडियो पे आते हैं। जब आप अपने ग्राउंड में जाएँ तो फर्स्ट डे यानी स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले कभी आपने फिजिकल नहीं किया है, तो आप ग्राउंड में जाएँ तो कम से कम 5 चक्कर पहला दिन 5 चक्कर दौड़े, ठीक है, एकदम नॉर्मली दौड़िए। लेकिन पहले इसलिए क्योंकि आप इससे पहले तैयारी नहीं की, ठीक है, चक्कर तो दौड़िए, एकदम नॉर्मली दौड़िए, पीटी दौड़िए, मतलब ज़्यादा शरीर को थकाना नहीं है। फर्स्ट डे जाइएगा तो आराम से दौड़िएगा, ठीक है। फिर सेकेंड दिन गए, उससे एक चक्कर बढ़ा देना है, कितना, 6 चक्कर बढ़ा देना है, यानी 6 चक्कर दौड़ना है, उससे थोड़ा स्पीड बढ़ा देना है, स्पीड भी बढ़ाना है, स्टेप बढ़ा देना है, ठीक है। ऐसे करके आप डेली आप जाएँ तो जब 10 दिन 20 दिन हो जाए उसके बाद आप जब भी जाए ग्राउंड में 10 चक्कर से कम नहीं दौड़ना है, कम से कम 10 चक्कर दौड़ना है। कब, जब बिहार पुलिस का फिजिकल अभी समय है, इसलिए आप अभी से कम 10 चक्कर डेली दौड़े, क्योंकि अभी समय है तो आराम से 10 चक्कर दौड़ सकते हैं। और जो भी 10 चक्कर दौड़े एकदम पीटी की मतलब पूरा स्लो नहीं दौड़ना है, एकदम इतना दौड़ना है कि 10 चक्कर में पूरा थक जाए, मेरा पैर 5-6 चक्कर में कहे कि नहीं अब नहीं दौड़ना है, ऐसे दौड़ना है। ये नहीं कि पूरा एकदम स्लोली जा रहा है, उससे स्टेप नहीं बन पाएगा, आपका ये होगा कि आपका पैर उसी तरह से रह जाएगा तो फिर बढ़ नहीं पाएगा। कोशिश करना है कि स्टेप बढ़ाते रहे, ठीक है, ऐसे दौड़ना है, ठीक है। और देखिए जब बिहार पुलिस नज़दीक आ जाए तो कैसे दौड़ना है, बिहार पुलिस का 5 चक्कर का दौड़ होता है, आपको 5 ही चक्कर दौड़ना है, ना 6 चक्कर दौड़ना है, ना 10 चक्कर दौड़ना है, कोई जरूरी नहीं है 10 चक्कर दौड़ने, हमको तैयारी करना है 5 चक्कर, यानी बिहार पुलिस की तैयारी करना है, तो कितना, 5 चक्कर दौड़ना है राउंड में, ठीक है। इसलिए क्योंकि 5 चक्कर आप दौड़े रहिएगा तो वहाँ पर आप राउंड नहीं भूल पाइएगा। ये भी होता है, बहुत लोग राउंड भी भूल जाते हैं, 4 चक्कर में रुक जाते हैं, तो आपका फिर तो डिसक्वालीफाई हो जाइएगा। इसलिए आपको 5 चक्कर का ये डेली रिवाइज करना है, डेली 5 चक्कर ही दौड़ना है, 5 चक्कर से नहीं ज़्यादा दौड़ना, मगर अब ही स्टार्ट करें तो कम से कम 10 चक्कर दौड़ना है, ठीक है। चलिए आते हैं, तो 5 चक्कर दौड़िएगा पूरा फुल स्पीड में, मतलब स्प्रिंट मारना है। देखिए 4 चक्कर दौड़ना है अपने स्टेप से, ठीक है, फुल स्टेप पे जाना है, बताएंगे कैसे स्टेप लेना है, ठीक है, अभी बता रहा है। देखिए 4 चक्कर जाना है एकदम अपने स्टेप से, और लास्ट चक्कर 5 चक्कर होगा तो पूरे ये चंगुल पे दौड़ना है। देखिए यहाँ दिखाते हैं, लास्ट वाला चक्कर होगा ये होता है ये ऐसे, जब भी आप दौड़े तो ये वाला बैठा देना, ये लास्ट में बैठेगा, ठीक, देख रहे हैं ये चंगुल,
ये चंगुल होगा कि आप बैठाइएगा स्टेप थोड़ा ज़्यादा तेज भागे, इससे रनिंग बहुत अच्छा होता है। और चार चक्कर आपको फुल फ्लैट मारना है पैर को, ठीक है, लास्ट चक्कर ये चंगुल पे दौड़ना है, ठीक है, ऐसे दौड़ बढ़ेगा, अच्छा बन जाएगा दौड़, ये आप डेली करिएगा ना तो अच्छा बन जाएगा दौड़। फिर दौड़ना है चंगुल पे, बता दिए चंगुल पे दौड़ना है लास्ट चक्कर, चार चक्कर आपको अपने स्टेप पे फुल फ्लैट मारना है और लास्ट चक्कर चंगुल पे दौड़ना है। और देखिए हमको ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको बिहार पुलिस की जॉब चाहिए, बिहार पुलिस में पाँच चक्कर का दौड़ होता है, तो हमको पाँच चक्कर का ही रिहर्सल करना है, यानी डेली पाँच चक्कर मारना है, लेकिन पूरा स्पीड फुल स्पीड में लगना चाहिए कि हाँ हम ये कंपटीशन कर रहे हैं, हमको आगे सबसे आगे निकलना है, इस तरीके से करना है, समझे, तभी दौड़ बन पाएगा। ये नहीं कि डेली जा रहा है 10 चक्कर मार रहा है, बीच ज़्यादा चक्कर मारने से दौड़ नहीं बनता है, पाँच ही चक्कर मारे मगर पूरा फुल स्पीड में मारे, जितना एनर्जी पूरा फुल एनर्जी लगा देना है, ऐसे करना है। मगर अभी जब स्टार्ट करें तो आप आराम से दौड़े, मगर जब नज़दीक आ जाए 2 महीना 3 महीना जब फिजिकल का होगा तब उसमें डेली पाँच ही चक्कर दौड़ना है, ऐसे दौड़िएगा तब दौड़ अच्छा बन जाएगा। ये नहीं कि 10 चक्कर 20 चक्कर दौड़ रहा है स्टेप, देखिए ज़्यादा चक्कर दौड़ने से होता नहीं है, आप 10 चक्कर 20 चक्कर दौड़िएगा तो स्टेप तो आप थोड़ा उससे जो 5 चक्कर दौड़ रहे हैं उससे स्टेप तो थोड़ा स्लो चलिएगा, 5 चक्कर वाला में पूरा स्पीड लगा दीजिएगा, 10 चक्कर में उससे कम स्पीड कीजिएगा तभी तो 10 चक्कर दौड़ पाइए। और 10 चक्कर दौड़ने से आपका जो स्टेप होता है बढ़ नहीं पाता है, तो 5 ही चक्कर दौड़ना है और स्टेप बढ़ा देना है, फुल स्पीड में दौड़ना है, ऐसे करके दौड़ना है, हमको नहीं ज़्यादा दौड़ना है, बस 5 चक्कर दौड़ना है, ठीक है, पूरा फुल स्पीड में। तो आप लोग समझ होंगे कि दौड़ कैसे बनाना है। चलिए हाई जंप पे आता है कि हाई जंप का रिहर्सल कैसे करें। देखिए हाई जंप होता है, बिहार पुलिस में टाइगर जंप लेता है, ठीक है, और सीजर मतलब जो भी सभी जंप लेता है, लेकिन आपको क्या सीखना है, टाइगर जंप। टाइगर जंप इसलिए सीखना है क्योंकि टाइगर जंप जब कीजिएगा तो आपके दौड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। टाइगर जंप इस तरह से होता है, ऐसे छलांग मार देना, और सीजर में होता है कि ऐसे पैर मारिएगा तो इसमें फ्रैक्चर होने का डर रहता है, समझे, इसलिए आपको दौड़ना है जब नज़दीक रहता है तो उसमें फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोग घायल भी हो जाते हैं, पैर दर्द करेगा, ये दर्द करेगा, किससे होता है, सीजर मारने से होता है। टाइगर जंप मारिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और टाइगर जंप सबसे बेस्ट होता है, आप उसमें अच्छा से 5 फुट मार सकते हैं, ना कम से कम तो 4-8 आराम से मार लीजिएगा अगर सीख जाते हैं, उसमें सिर्फ सीखने में देरी लगता है, अगर सीख जाइएगा तो आराम से 5 फुट मार दीजिएगा तो आपका दौड़ भी सही रहेगा और जंप भी बहुत बढ़िया होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना है। अगर जो हम बताए उस तरीके से दौड़िएगा तो आपको 40 नंबर का आराम से दौड़ बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता 40 नंबर का दौड़ बनने से। अगर 4-8 हाई जंप मारते हैं तो 4-8 में मार लिए 21 नंबर हो गया, इधर 40 नंबर दौड़ में हो गया, 21 नंबर हाई जंप में हो गया। और गोला ऐसा होता है कि गोला लगभग सब 20 प्लस बिग देता है, अगर नहीं बिगाता है आपसे कम बिगाता है, गोला कितना पे पास होता है 16 फुट बिगना होता है कम से कम पास करने के लिए, लेकिन 16 फुट बिगने से नहीं होगा, 20 प्लस बिगना है, हमको 25 में 25 नंबर लाना है, ठीक है। तो पूरा अगर मान लीजिए आपसे 18-19-17 बिगा रहा है तो वैसे नहीं, जब अगर कम बिगा रहा है तो डेली डिप्स मारे, डिप्स मारने से बाजू में तागा तो ज़्यादा दूर बिगा जाएगा, 20 प्लस बिग गया तो आपको मेरिट से कोई नहीं रहे। मान लीजिए 40 नंबर दौड़ में आ गया, 21 नंबर हाई जंप में आ गया, और फिर इधर 25 नंबर गोला में आ गया, यानी 86 नंबर हो जाएगा। मान लिया जाए हमको 40 नंबर नहीं उठा दौड़ में, मान लिया कि हमको 40 नंबर नहीं, 30 ही नंबर उठा, फिर भी 10 नंबर घटा दीजिए, 76 नंबर आ गया, 76 नंबर में आपका कोई नहीं रोकने वाला है रिजल्ट। आ इस बार का जो मेरिट बनेगा बहुत ही कम जाएगा, इस बार मेरिट कम जाएगा, ठीक है, इतना आपको भरोसा होना चाहिए, इस बार मेरिट कम जाएगा, बताएंगे मेरिट के ऊपर बता देंगे वीडियो में कि कितना पे मेरिट बनेगा, ठीक है, मेरिट कितना पे जाएगा उसका भी वीडियो स्पेशल बना देंगे कि कितना पड़ जाएगा। तो चल चुके हैं कि मतलब आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, अगर बहुत सारा इसमें बता दो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बस मेरा ये था कि आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी हो ताकि आपको फिजिकल में छटने की कोई ज़रूरत ना हो, आपका मेरिट बन जाए, आप बिहार पुलिस बन जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अगला वीडियो में आपको अगर जो भी जिस सवाल पे आपको डाउट है कि हमको ये चीज़ कैसे होगा तो आप कमेंट में बोल दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे कमेंट में, ठीक है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।